हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे। बेटे आज आप जेनेटिक्स का नैक्सट चैप्टर स्टार्ट करांगे, मतलब अपना फर्स्ट यूनिट है जी वो कंप्लीट होगी। एज यू ऑल नो, अपना टेस्ट भी हो गया। यूनिट वन के अंदर बेटे अपने फोर चैप्टर्स डिस्कस कर ले। एक तो रीप्रोडक्शन इन जनरल डिस्कस किया, वी ऑल नो। फिर अपने रीप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर डिस्कस की सी। फिर अपने रीप्रोडक्शन ह्यूमन्स के अंदर डिस्कस की सी। फिर अपने ह्यूमन की रीप्रोडक्टिव हेल्थ है जी वो डिस्कस की सी। ठीक है जी, आ फस्ट यूनिट अपनी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, एक टेस्ट पेंडिंग है, दैट इज इन केस ऑफ ह्यूमन रीप्रोडक्शन। लास्ट पार्ट का टेस्ट पेंडिंग है, वो कदे भी ले लेंगे। फिर अपनी फस्ट यूनिट फॉर द टाइम बींग होगी, हूँ आप रिविजन ले चकांगे। ठीक है, हूँ बेटे अपनी नैक्सट जी यूनिट है ना, उन्होंने आप इन जनरल कह दें जेनेटिक्स। ठीक है, सैकेंड यूनिट है जेनेटिक्स, जिदे अंदर अपना चैप्टर 5 आ जाता है, यूनिट 2, जिन्हों मैं ओवरऑल कह दें जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। ठीक है, चैप्टर 5 जड़ा है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, फर्स्ट जिहड़ा अपना टॉपिक है ना, वो कोई टॉपिक नहीं है जो अज आप डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी का की मतलब है, कुछ टर्म्स डिस्कस करांगे। अगर अपन ये टर्म्स क्लियर हो गई तो अपने लिए चैप्टर है जिहड़ा उन्हें समझना दैट विल बी क्वाइट ईजी। ठीक है, तो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के अंदर कुछ टर्म्स डिस्कस करांगे, जिदे अंदर आप बिल्कुल बेसिक्स तो शुरू करांगे कि जेनेटिक्स हुंदा की है। ठीक है, व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज वेरिएशन। तो आप चैप्टर के नाम चो ही दो डेफिनेशंस चक लेंगे। ठीक है जी, क्लियर। तो बेटे अपने को फर्स्ट जी टर्म है दैट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स एक्चुअली दे अंदर जेनेटिक्स की है, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। क्लियर, व्हाट इज जेनेटिक्स, द जेनेटिक्स इज चैप्टर 5, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट टर्म केड़ी आ गई अपने को, व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ, या पाई कहते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। क्लियर, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। क्लियर, इतने आप एक और टर्म इंट्रोड्यूस कराता, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। क्लियर, अगर टर्म्स क्लियर हो गया द चैप्टर विल बी वेरी स्मूथ। क्लियर, हूँ अपने को टर्म आ गई, जेनेटिक्स तो पता चल गया, पर अगर इनहेरिटेंस पता होगा, वेरिएशन पता होगा, हेरिडिटी पता होगा, एवोल्यूशन पता होगा, ताई जेनेटिक्स बनूगा ना। तो अपने को इनहेरिटेंस सेकेंड टर्म आप डिस्कस कर रहे हैं, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होंगे ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, हेरिडिटी इनहेरिटेंस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स तो अगली जनरेशन के अंदर करैक्टर्स का पास होना। क्लियर, तो दैट इज द इनहेरिटेंस। जेनेटिक्स है कि बेटे आप सारे ह्यूमन बींग्स हाँ, है ना। अगर मैं सिर्फ ह्यूमनस की गल करा, वैसे तो जेनेटिक मेकअप हर एक दे कोल है, आप सारे ह्यूमनस हाँ। मैं सिर्फ ह्यूमन की गल करा तो देखो, या प्लांट्स की गल करा तो सारे अंदर
प्लांट्स के अंदर भी सेम सॉर्ट ऑफ द सेल्स ने, अगर मैं कल ह्यूमन की गल करा तो अपने को सब को दो आईज ने, दो हैंड्स ने, बट देखो किसी दी आईज ब्लू ने, किसी दी आईज ग्रे ने, किसी दे बाल लंबे है, किसी दे बाल छोटे है, कोई इन्ना ज्यादा खांदा तां भी पतला रहिंदा, कोई बहुत ही घट खांदा तां भी वह मोटा हो जाता, दैट इज द जेनेटिक्स। इस चैप्टर के अंदर अपन ये पता चलता है, क्लियर। द इनहेरिटेंस मीनस ट्रांसमिशन ऑफ द करैक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स to the next generation, ठीक है, that is heredity, that is inheritance. Variations, variations का मतलब है changes भी तो आए ना। आप प्लस वन के अंदर एक चैप्टर किया सीगा, देखो बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड ने, आप प्लस वन का एक चैप्टर किया सी सेल साइकल एंड सेल डिवीजन, आपने कहा सीगा कि जो मियोसिस वन है वो अंदर जी प्रोफेज वन होंगे, प्रोफेज वन के अंदर रीकॉम्बीनेशन बनते हैं, क्रॉसिंग ओवर होंगी है, रीकॉम्बीनेशन फॉरमेशन होंगे, जिदे करके आप सारे अपने सब दे कोल 46 क्रोमोसोम्स ने, पर कदे एवें देखे कि एक ब्रदर है ओदी अपनी सिस्टर दे नाल एग्जैक्टली शक्ल मिल रही है, पता ही नहीं चल रहा कौन ब्रदर है कौन सिस्टर है, जनरली तो एवें नहीं होंगे ना, वी आर चेंज, चाहे आप दोनों ब्रदर सिस्टर एक ही पेरेंट्स के बच्चे ने, दो सिस्टर्स ने, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेम, देख के तो पता चलता ना कि मतलब ये बच्चा है जिहड़ा इहदा नाम यह है दूसरे का नाम यह, आप कन्फ्यूज तो नहीं करते ना, ट्विनस नूं छड्ड के आप बाकिया के अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगी अपने को, उन्होंने अंदर जो जनैटिक मेकअप है वो अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, सच चेंजेस आर कॉल्ड एज द वेरीएशंस, ठीक है, वेरीएशंस मीनस चेंजेस। फोर्थ टर्म इतों ही चक रहे हैं एवोल्यूशन, एवोल्यूशन वैसे अपने को पूरा का पूरा चैप्टर है, उत्थे भी डिस्कस कर सकते हैं, बट एवोल्यूशन की है ये पढ़ना बहुत जरूरी है। एवोल्यूशन अपने जो आप अनसेस्टर्स के नाल कंपेयर करके अपनी स्टडी की जाती है, मतलब ओवर द ईयरस जो चेंजेस आए, ओवर द ईयरस ह्यूमन पहले एवें चल रहा सीगा, हुण हौली हौली स्ट्रेट हो गया, तो ओवर द ईयर ये तो है नहीं कि वह सिक्सथ ऑफ जून नू सुता राती सैवंथ ऑफ जून नू खड़ा होया तो सीधा हो गया, दिस इज़ नॉट सो देयर, हौली हौली पता नहीं किन्ने सालों के अंदर वो जीनस के अंदर वेरीएशनस आई तो वह चेंज हो गया, स्ट्रेट चलना शुरू हो गया, सच इज कॉल्ड एज द एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन की हो गया ओवर द ईयरस चेंजेस आना, सच इज कॉल्ड एज द एवोल्यूशन, क्लियर। हुण आपां चलते हैं नैक्सट टर्म्स के अंदर, हुण आपां नूं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के अंदर कुछ बेसिक टर्म्स सीगियां, जेनेटिक्स की होंगे, वेरीएशन की होंगे, एवोल्यूशन की होंगे, हैरिडिटी की होंगे, ये आपां नूं क्लीयर हो गया, ठीक है। हुण आ जाओ नैक्सट, अपनी बुक्स के अकॉर्डिंग जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी कहती है बेटे, फर्स्ट है करैक्टर, करैक्टर की होंगे बेटे, करैक्टर आप कह सकते हैं कि किसी की भी बॉडी है, ठीक है, करैक्टर की होंगे आप कह सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के जेडे फीचर्स होंगे ने ना वो करैक्टर्स होंगे ने। फीचर्स का मतलब की है, मान लो मैं कोई प्लांट ले ला, मैं कह ये प्लांट की हाई, इस प्लांट के कोल हाइट भी है, इस प्लांट के कोल कलर भी है, हाइट तो कलर की हो गया, दैट इज द मेन ब्रॉड टर्म होगी करैक्टर, ठीक है। करैक्टर का मतलब किसी भी चीज़ को रीप्रजेंट करने जो बॉडी के कोल बेसिक फीचर्स ने करैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो करैक्टर्स की हो गए बच्चे अपने कोल, अकॉर्डिंग टू बुक अपने को फर्स्ट टर्म आ गई करैक्टर। ये टर्म्स आप बार बार यूज करांगे, मैं पेयर्स च टर्म्स कराऊंगी, करैक्टर के नाल एक टर्म पेयर च आऊगी बेटे, पहले करैक्टर पता लगेगा ता ही वह पेयर समझ आऊगा ना। तो करैक्टर की होंगे, करैक्टर अपने को बेटे ये वो टर्म है जो किसी भी इंडिविजुअल के फीचर्स नू दसन लई यूज की जाती है, उन्हों आप करैक्टर कहने। जिमें फॉर एग्जाम्पल मेरे को एक प्लांट है, सपोज आई हैव इज दिस प्लांट, ठीक है, आ ये उपर जो भी ये फ्लावर्स ने या फ्रूट्स ने, आ मेरे को प्लांट है, मैं इन जनरल कहा कि इस प्लांट की हाइट की है, सामने वाले ने जवाब दिता कि ये प्लांट टॉल है, यदि हाइट है जी वो 4 feet and 10 inches लगा लो, इन्ना लंबा प्लांट है, इन्ना लंबा ट्री बन गया वो, ठीक है, तो मैनू कहता कि टॉल है, क्लियर। मैं ये नाल कोई होर प्लांट सीगा, मैं क्या यदि हाइट की है, दे सैड कि इस प्लांट की हाइट तो जी 1 10 है, ठीक है, मतलब ये तो ये कंपेरिजन च बहुत छोटा हो गया ना, तो उन्हें मैंने कहा ये तो
तो बहुत छोटा प्लांट है, मैनू की क्या, ये तो बहुत लंबा प्लांट है, ये बहुत छोटा प्लांट। मैं जो चीज़ पूछी ओदा फीचर ओदा करैक्टर सीगा, जो जवाब आया वो ओदा ट्रेट सीगा। वेरिएंट्स वेरिएशंस इन ए करैक्टर इज कॉल्ड एज द ट्रेट। आप ट्रेट वर्ड यूज करेंगे। सारी पॉपुलेशन सेम तो नहीं होंगी ना, सारी पॉपुलेशन दे कोल हाइट है, सारी पॉपुलेशन दे कोल कलर है, ठीक है, बट सारी पॉपुलेशन दे कोल अलग अलग ट्रेट्स ने। मतलब एक करैक्टर फर्दर किदे च डिवाइडेड होंगे, ट्रेट्स के अंदर। वेरिएंट ऑफ ए करैक्टर इज ट्रेट। मैं छोटी हाँ तुसी लंबे हो, दैट इज द वेरिएंट ऑफ हाइट, ठीक है, वेरिएंट ऑफ हाइट हो गया। तो अपने कोल करैक्टर का वेरिएंट की होंगे बेटे, वी हैव इज द ट्रेट। बार बार वर्ड यूज होगा। करैक्टर की हो गया किसी भी चीज़ नू, किसी भी इंडिविजुअल नू रिप्रेजेंट करन लई जो फीचर्स यूज करे जाते ने वो करैक्टर्स होंगे ने, ठीक है। तो अपने को करैक्टर की आ गया, इट इज़ द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है जी। किसी भी इंडिविजुअल दे फीचर्स नू डिस्क्राइब करन लई जो टर्म यूज कीती ओदा करैक्टर है। मैनू किसी ने पूछा तुहाडा नोज दी शेप किवें दी है, ठीक है। आप कह दें ना, जनरली कोई बच्चा पैदा होंदे तो उन्हें देख के कह देंगे कि ये नैन नक्श एवें दिने, इहदा नक तिखा, इहदा नक फिन्ना है। नोज किवें है वह करैक्टर है, बट वह फिन्ना है या वह तिखा है ओदा ट्रेट है। एम आई क्लियर, ठीक है। तो अपने को ट्रेट की हो गया बेटे, वेरिएंट ऑफ करैक्टर इज ट्रेट। जो पॉपुलेशन दे अंदर, जो ओवरऑल पॉपुलेशन नू आपा कंपेयर कहना है कि सारी पॉपुलेशन दे कोल हाइट है वो तो करैक्टर है, जो सब कोल है वो करैक्टर है, लेकिन जो चेंज है करैक्टर दे अंदर वो ट्रेट है, ठीक है। जो ओवरऑल पॉपुलेशन दे लई आपा कोई फीचर पूछ रहे हैं किसे तो, मैं सारी क्लास च बच्चे ने, मैं सारे बच्चों नू खड़ा करके कहा थोड़ी हाइट की है, ठीक है, वो करैक्टर है। सारे बच्चों को हाइट है, बट सब ने, किसी ने कहा मैं छोटा, किसी ने कहा मैं लंबा, ठीक है। दैट इज द ट्रेट। वेरिएंट ऑफ करैक्टर इज ट्रेट। वेरिएंट ऑफ करैक्टर इज ट्रेट। क्लियर है बेटे। तो अपने को दो टर्म्स हो गया, करैक्टर एंड ट्रेट। मैं बार बार टर्म यूज करूंगी, ट्रेट्स ट्रेट्स, करैक्टर्स करैक्टर्स, ठीक है। उतों उत्थे अपन कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि करैक्टर की है एंड ट्रेट की है, ठीक है। हुन अपने को एक इंपॉर्टेंट टर्म आ गई, जीन की है, ठीक है। जीन, फिर जीन का भी नाल एक पेयर करांगे, जीन दे नाल एक पेयर आऊगा, वो पेयर जीन दे नाल ही डिस्कस करांगे। जीन की हुंदा बेटे, एक्चुअली दे अंदर ना मैं इत्थे थोड़ी जी पिछे स्टोरी दसूंगी, फिर अपन स्टोरी तो बाद जीन करांगे। जीन दे पिछे स्टोरी है कि जेनेटिक्स का फादर मनिया जाता है, जो तुसी क्लास टेंथ च पढ़ के आए हो, जी जे मेंडल। मैं दी हिस्ट्री कराऊंगी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ग्रीगर जॉन मेंडल, ठीक है। कई बच्चे तो नाम ही गलत लेंदे ने, उन्हों कोई किवें बोल रहे होंगे, कोई किवें बोल रहे होंगे, तो दैट इज़ द फुल नेम इज ग्रीगर जॉन मेंडल, जी जे मेंडल, क्लियर। मेंडल ने जेनेटिक्स दे लॉज प्रपोज किए थे, तो इस करके इनू फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाता सी, क्लियर। बट जिस टाइम, जिस सदी के अंदर इन्हें जेनेटिक्स नू स्टडी किया ना, उदो कोई इन्ने रिसोर्सिज नहीं सीगे, ना कोई कंप्यूटर सीगा, ना कोई लैपटॉप सी, ना कोई होर बढ़िया तरीके दी लैब्स सीगिया। इन्हें अपने शौक नू काम किया, ठीक है, ओके। तो इस बंदे ने, इस अंकल ने की किया, जी जे मेंडल ने की किया, वट ही हैज़ डन, इन्हें जेनेटिक्स के लॉज प्रपोज करते, अपना काम करता गया करता गया करता गया, इन्हें जेनेटिक्स के लॉज प्रपोज करते। इन्हें यह दसना तो चाहता सीगा कि जीन है जेड़ी वो एक जनरेशन तो दूसरी जनरेशन तक जाती है, करैक्टर्स लेके जाती है, लेकिन क्योंकि इनू बायो की नॉलेज ही नहीं सी, ही वॉज बाय प्रोफेशन मैथमैटिशियन और फिजिक्स का बंदा सीगा, उन्हें मैथ ते फिजिक्स नू कोलैबोरेट करके बायो दे लॉज इंटरप्रेट किए थे, ठीक है। देखो किन्ना आप सोचते हैं कि आपने बापा तो बायो दें, आपने मैथ्स तो की लैना है, बट ही हैज़ प्रपोज द लॉज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, क्लियर। तो मतलब कितने ना कितने हर साइंस का आपस के अंदर इंटरकनैक्शन जरूर होंगे। तो इन्हें की क्या, इनू जीन नहीं पता सीगा, क्योंकि जीन तो टर्म बहुत बाद चाहिए सी, ये
अंकल जी जा चुके सीगे क्लियर, ता जीन टर्म बहुत बाद चाहिए सीगी, ता इन्हां ने बेटे टर्म दित्ती सीगी फैक्टर की, मतलब हर एक दी बॉडी दे अंदर ना कुछ फैक्टर्स हुंदे ने जो पेरेंट्स दी बॉडी चो नेक्स्ट जनरेशन तक जांदे हैं। लेटर ऑन जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी बन गई तो उदो टर्म पता चल गई कि जीन एक टर्म हुंदी है। जीन हुंदा की है बेटे, जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कैरिड बाय द पेरेंट इन देयर गैमीट्स, फिर वो गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो बच्चे के करैक्टर्स बन जाते हैं। क्लियर, तो जीन की यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, दैट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। हाउ इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, देखो आ मेरे को एक क्रोमोजोम है, आप प्लस वन च पढ़ के आए आ रही क्रोमोजोम, क्रोमोजोम किवें बनी सीगी आप इसे यूनिट च नैक्सट चैप्टर च पढ़ा पैकिंग ऑफ द पैकेजिंग ऑफ डी एन ए। क्रोमोजोम का दी बनी हुई है डी एन ए दी, ठीक है, डी एन ए दे उपर आलो जी डी एन ए है, डी एन ए पैक हुंदा गया, एक थ्रेड सीगा पैक हो के उन्हें क्रोमोजोम बनाता, लो जी आ पैक हुंदा गया थ्रेड ते इन्हें क्रोमोजोम बनाता। क्लियर, हुन आ क्रोमोजोम है ना जेड़ा इद इस सारा यह बनिया का है, एक थ्रेड है, एक थ्रेड है, मैं उन्होंने लपेटती गई एक छोटा जा क्रोमोजोम बनाता, क्योंकि इन्ना वड्डा थ्रेड न्यूक्लियस के अंदर मैं 46 थ्रेड्स नू पूरा किवें करूँगी, दैट इज़ वाई परमात्मा ने उन्हों गॉड ने उन्हों कंपैक्ट करता। क्लियर, तो वह कंपैक्ट होकर एक थ्रेड बन गया। हुन इस थ्रेड के उपर यह सारा थ्रेड है जोड़ा यह सारा यूजेबल नहीं होंगे, इट्स नॉट ऑल यूज, अपने प्लस वन च किया यूक्रोमेटिन एंड हेटरोक्रोमेटिन, ठीक है, क्रोमोजोम है जी सारा डी एन ए वर्किंग नहीं होंगे, सारा डी एन ए मेरे सारे करैक्टर्स बनाने आर एन ए बनाने इनवॉल्व नहीं होंगे, ठीक है, तो डी एन ए का जोड़ा पार्ट एक्टिव है उन्होंने आप कहने जीन, जो कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है जी। तो मान लो आ पार्ट है जोड़ा दिस पार्ट दिस कंट्रोल्स माई हाइट, तो आ की है ए, अगर मेरी हाइट का जीन मेरी एक नंबर क्रोमोजोम से प्रेजेंट है तो मेरे तो बाद भी या मेरे तो पहले भी या मेरे नाल दा भी सब दा वो हाइट वाला जीन वन नंबर क्रोमोजोम से सेम पोजिशन पर पिया होगा। गॉड हैज़ क्रिएटेड सच काइंड ऑफ द फिनोमिनन कि हर एक दी बॉडी दे अंदर जिहड़े जीन्स ने ना वह सेम पोजिशन से सेम करैक्टर नू कंट्रोल करते हैं, एंड सच पोजिशन इज कॉल्ड एज लोकस। ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी एक टर्मिनोलॉजी है, लोकस की होंगे द पोजिशन ऑक्यूपाइड बाय द जीन्स ऑन ए क्रोमोजोम इज कॉल्ड एज द लोकस, ठीक है। लोकस की है वो पोजिशन जिथे जीन्स प्रेजेंट ने, जीन्स है कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है जो कि पेरेंट्स तो बच्चों की बॉडी के अंदर जी डी एन ए ट्रांसफर करन च हेल्प करते, करैक्टर्स नू लेके जान च हेल्प करते हैं, सच यूनिट्स आर कॉल्ड एज द जीन्स। हुन जीन विच कि टिकती है ना, जीन कहती है कि मेरे भी जिवें तुसी करैक्टर का ट्रेट बनाता तो मेरे भी वेरियंट्स बनाओ, ऑबवियसली जे जीन ही कंट्रोल कर रही है ना करैक्टर नू, जीन कंट्रोल्स द करैक्टर, ठीक है। तो जीन है जड़ा ये भी, तो अगर करैक्टर सेम नहीं है सारी पॉपुलेशन दे कोल, ट्रेट्स सेम नहीं है सारी पॉपुलेशन दे कोल, तो कि जीन जड़ा है उदा अंदर वाला मटीरियल सेम होगा नहीं, किसी दे कोल तो कि डोमिनेंट होगा, किसी दे कोल रिसेसिव होगा, ठीक है, ताई कोई पॉपुलेशन दे अंदर लंबा है कोई छोटा है, तो जीन का जिहड़ा ऑल्टरनेट है उन्हों आप कहने एलील, ठीक है भी जिहड़े वड्डे ने उन्होंने कोल अलग टाइप का वेरियंट प्रेजेंट है जीन का, जिहड़े छोटे ने उन्होंने कोल अलग टाइप का वेरियंट प्रेजेंट है, पोजिशन सेम है, ठीक है जी, बट वेरियंट अलग है। वेरियंट नू हुण साइंटिस्ट कहिंदे अस तां कन्फ्यूज हो जाएंगे भी तुसी इन्ना कुछ कह रहे हो, वेरियंट्स ने जिहड़ा लेमैन है वह तो कन्फ्यूज हो जूगा, तो उन्होंने कहा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं हैगी, असी ये सिंबल्स भी असाइन करांगे, वी विल असाइन द सिंबल्स। सिंबल्स की होंगे सैट ऑफ लैटर्स विच इज यूज टू डिस्क्राइब द एलील्स, ठीक है जी, सैट ऑफ लैटर्स कह लो, अपर केस लोअर केस यूज करांगे आप, ठीक है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर सारे अलील्स तो देखो, मान लो सपोज मैं एक एग्जाम्पल लैनी जो आप दसवीं तो पढ़ते आ रहे हैं, आप कहने हाइट ले लो जी, हाइट दो तरह की ली मैं,
मैं क्या भी कुछ पॉपुलेशन है जिहड़ी ओह तां जी लंबी है, कुछ पॉपुलेशन है जिहड़ी ओह छोटी है, उहनूं आपां रिप्रेजेंट करदे हां डवार्फ नाल। ठीक है, हुण मैं हर जगह ते टॉल डवार्फ तां नहीं लिख सकदी ना, तां उहनूं ईजी करन लई साइंटिस्ट ने सिंबल देते। ठीक है, फिर ओह कहिंदे भी मान लो मैं एक पॉपुलेशन लई आ 10 बंदिआं दी पॉपुलेशन है, ठीक है 10 है, 10 दे अंदर मान लो 8 बंदे टॉल है, एक फैमिली दे अंदर 8 बंदे टॉल है, तो उन्हां दा एक फीचर है कि ज़्यादा पॉपुलेशन जड़ी है वो टॉल है, तो जेड़ा करैक्टर फ्रीक्वेंटली अपने आप नूं एक्सप्रेस कर रहा है उन्हूं आपां कहांगे डोमिनेंट। ठीक है जी, उन्हूं आपां कहांगे डोमिनेंट। ठीक है, एक फीचर अपने आप नूं एक्सप्रेस कर रहा है ज़्यादा तो वह डोमिनेंट है। जेड़ा फीचर जेड़ा करैक्टर जेड़ा ट्रेट अपने आप नूं दब रहा है वह अपने आप ही दब जाता है एक पॉपुलेशन के अंदर। दबना मतलब शो नहीं होना। डोमिनेंट की होंगे अगर आप इन जनरल कही डोमिनेंट की होंगे, एक बच्चा है क्लास के अंदर वह मोनीटर है, ठीक है, या वह मोनीटर नहीं भी हैगा बट वह बस एवें एटीट्यूड है ना, वह बच्चा कहिंदा कि मैं ही सब कुछ करूँगा, टीचर आया तो मैं ही टीचर के अगे पिछे फिरना है ना, या मैं ही सारे स्कूल के अंदर जिहड़े काम ने वह करने ने, तो यह मतलब वह बच्चा अपने आप नूं की कर रहा है डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेंट मतलब जो अपने आप नूं एक्सप्रेस कर रहा है वह डोमिनेंट। जिहड़ा रिसेसिव है एक उहदे वर्गा एक होर बच्चा है क्लास के अंदर, होर कई सारे बच्चे ने, वह जदों क्लास चो बच्चा प्रेजेंट हुंदा है उहदी प्रेजेंस के अंदर बाकी कहिंदे असीं नहीं अपने आप नूं एक्सप्रेस करना, जे ये प्रेजेंट है तो असी नहीं एक्सप्रेस करांगे, तो वह जिहड़े दब गए हुंदे ने रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव कहिंदे ने जदों असी सारे रिसेसिव इकट्ठे होवांगे असी उदों ही एक्सप्रेस करांगे। तो डोमिनेंट वह फीचर हुंदा बेटे जिहड़ा अपने आप नूं एक्सप्रेस करदा है, चाहे वह कल्ला प्रेजेंट होए चाहे वह 10 जनिया के अंदर प्रेजेंट होए, तो आई एम डोमिनेंट आई विल एक्सप्रेस माई सैल्फ, तो वह डोमिनेंट हुंदा। रिसेसिव की हुंदा बेटे जो डोमिनेंट की प्रेजेंस के अंदर अपने आप नूं शो ही ना करे, डू नॉट एक्सप्रेस इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। ठीक है, हुन आ जाओ जी सिंबल्स ते। आ टॉल है, आ डॉर्फ है, मान लो एक पॉपुलेशन च 8 जने टॉल ने 2 जने डॉर्फ ने। ठीक है जी, तो टॉल वाले जेडे पीपल ने ना उन्होंने मैं एक सिंबल देता अपर केस टी कैपिटल टी देता सिंबल दिता है बेटे, ए बॉडी दे अंदर टी टी नहीं प्रेजेंट होंगे। कुछ बच्चों के दिमाग च कंसैप्ट चलन लग जाता है कि बॉडी दे अंदर भी कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, नो जस्ट टू रीप्रजेंट तुम इतने कैपिटल टी दे नाल कोई भी छोटा ए लै लो बड़ा ही लै लो, बट वो कन्फ्यूजन हो जाती है क्योंकि वह दोनों ही कैपिटल केसिस बन गए थे, तो पता नहीं चलता सीगा कि डोमिनेंट कौन है रिसेसिव कौन है। इस करके सिंबल्स के अंदर यह किया गया कि जिहड़ा कैपिटल लैटर है वह आप हमेशा जिहड़ा अपने आप नूं एक्सप्रेस कर रहा है जो डोमिनेटिंग फीचर है उहदे लई यूज करांगे, एंड जिहड़ा अपने आप नूं दबा रहा है ड्वार्फ है उहदे लई आपां स्मॉल टी यूज करांगे। तो जिहड़ा ड्वार्फ है वह हमेशा जदों भी डबल कंडीशन के अंदर है, हुणे मैं की कहा कि जिहड़ा डोमिनेटिंग वाला है उहनूं कोई फर्क नहीं पैंदा कि मैं कल्ला कि असीं दो जने हाँ, तो जिहड़ा मेरा कैपिटल टी है वह चाहे कल्ला है चाहे वह दो ने उन्हें अपना ही फीचर देना है। अगर किसी की बॉडी के अंदर आह हाइट लई एक एलील तो कैपिटल टी है दूसरा एलील स्मॉल टी है तो यह लंबा ही होगा क्योंकि इन्हें इनू दबाता। ठीक है, मतलब यदी प्रेजेंस एक्सप्रैस ही नहीं किया, बट जिहड़ा स्मॉल टी है ना वह कदों एक्सप्रैस करेगा जदों वह दोनों ही टी स्मॉल होंगे उदों एक्सप्रैस करेगा। यानी कि अगर किसी के कोल दोनों डोमिनेटिंग ने एक डोमिनेटिंग है तो वह डोमिनेटिंग फीचर ही शो करेगा, रिसेसिव वाला उदों शो होंगे चाहे रिसेसिव पॉपुलेशन के अंदर प्रेजेंट होए बट वह उदों ही एक्सप्रैस करता है जदों वह दोनों कट्ठे होंगे। ठीक है, दोनों जीन्स के अंदर दोनों एलील्स सेम होंगे तो उदों मेरा रिसेसिव शो होगा, अदरवाइज रिसेसिव शो नहीं होगा। क्लियर है बेटे? तो हुण सुनो मैं हुणे केड़ी टर्म दसी। मैं क्या करैक्टर्स होंगे ने, सारी पॉपुलेशन के कोल करैक्टर है बट करैक्टर्स के वेरियंट्स होंगे ने, कोई
ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਬਾ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਬਲੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਰਦਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਟ੍ਰੇਟਸ। ਟ੍ਰੇਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਮੇਰੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹਾਈਟ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਟ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜੀਨ। ਜੀਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ ਡੀ ਐੱਨ ਏ ਹੈ ਜੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਸ ਔਨ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੀਨ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਐਲੀਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ 1 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈਟ ਦੀ ਜੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਰੀਐਂਟ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੀਨ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਐਲੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਰਿਸੈਸਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਸੈਸਿਵ। ਇਹ ਵਰਡਸ ਆਪਾਂ ਵਾਈਡਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਹਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਲਿਖੀ ਜਾਊਂਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਲ ਹੈ, ਡਵਾਰਫ ਹੈ, ਟੋਲ ਹੈ, ਡਵਾਰਫ ਹੈ, ਟੋਲ ਟੋਲ, ਜੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਵਾਲਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਸੈਸਿਵ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਪੇਅਰ ਆ ਵੀ ਪੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੇਅਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਟ੍ਰੇਟ, ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਟ੍ਰੇਟ। ਜੀਨ ਦਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਐਲੀਲ ਹੈ। ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਐਂਡ ਰਿਸੈਸਿਵ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੱਬ ਗਿਆ ਉਹ ਰਿਸੈਸਿਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪੇਅਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ? ਅਗਲਾ ਪੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਐਂਡ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਮੀਜ਼ਾਈਗਸ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ, ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਐਂਡ ਹੈਮੀਜ਼ਾਈਗਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਮੀਜ਼ਾਈਗਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਮ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ, ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਐਂਡ ਹੈਮੀਜ਼ਾਈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ 1 ਰੀਕਾਲ ਵੀ ਕਰਾਊਂਗੀ, ਕੁਛ ਟਰਮਸ ਪਲੱਸ 1 ਦੀਆਂ, 7th ਐਂਡ 8th। ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਹੋਮੋ ਅਤੇ ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ। ਤੀਸਰੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਹੈਮੀਜ਼ਾਈਗਸ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਲੱਸ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੈੱਲ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਹੈ, 46 ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 46 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 23 ਪੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ। ਪੇਅਰਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਏ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਬੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 23 ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਪੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹੋਮੋ ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਮੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਲੀਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਹੈ। ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੇਮ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਸੇਮ ਸੇਮ ਸੇਮ। ਕਲੀਅਰ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਲੀਲ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਨੇ, ਸੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ, ਔਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨ। ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਜੀਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਐਲੀਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣਾ, ਸੱਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਪਿਓਰ ਲਾਈਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਕਲੀਅਰ। ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਐਲੀਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਔਨ ਦਾ ਜੀਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਔਨ ਦਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮ। ਕਲੀਅਰ। ਹੋਮੋਜ਼ਾਈਗਸ। ਹੈਟਰੋਜ਼ਾਈਗਸ,
आ कंडीशन एक अलील दे जिहड़ा वो जीन है ओदे अंदर एक अलील एक वेरिएंट कैपिटल टी है दूसरा वेरिएंट स्मॉल टी है। ठीक है जी, हुण देखो समझो मेरी बॉडी दे अंदर 23 क्रोमोसोम तो आए मेरे फादर तो। ठीक है, एवें आया सी ना, स्पर्म फादर ने डोनेट किया, एग मदर ने डोनेट किया, तो 23 क्रोमोसोम्स आए मदर दी बॉडी चो। यानी कि मेरा अगर एक क्रोमोसोम ए है तो ओदा साइमल्टेनियस ए मेरी मदर तो भी तो आया, जे मेरे फादर दी क्रोमोसोम दे उपर मेरा हाइट वाला जीन इत्थे पे है तो मेरी मदर दे ए क्रोमोसोम दे अंदर भी हाइट वाला जीन इत्थे ही पे। अगर मेरे फादर ने मैनू हाइट वाला डोमिनेट करैक्टर दिता टी, मेरी मदर ने मैनू रिसेसिव करैक्टर दिता क्योंकि उन्होंने फैमिली च रिसेसिव सी, तो अगर मेरा ए करैक्टर एक्सप्रेस कर रहा है तो मेरी हाइट तो टॉल होनी चाहिए सी, बट हो सकता है मेरे दोनों ही रिसेसिव होन। क्लियर, इस करके मैं डवार्फ हाँ। क्लियर है, समझ गए? तो सेम लोकस सेम क्रोमोसोम्स के उपर सेम लोकस से सेम एलील्स का प्रेजेंट होना दैट इज कॉल्ड एज द होमोजाइगस कंडीशन। सेम क्रोमोसोम्स के उपर सेम लोकस से डिफरेंट एलील्स का प्रेजेंट होना दैट इज टर्म टू बी एज हेटरोजाइगस। ठीक है, हुन कुछ क्रोमोसोम्स बेचारियाँ एवें दियाँ भी होंदियाँ ने जिन्हों का सेम क्रोमोसोम ही नहीं हैगा बॉडी के अंदर, हो सकता है एवें? कैन यू थिंक अपॉन इट? तुम लगता है एवें आप कदे डिस्कस किया है या थोड़े दिमाग च कदे आया होए? देखो एक क्रोमोसोम है सिर्फ मेल च प्रेजेंट है ये कंडीशन एक्स वाई। ठीक है, मेल दे कोल एक वाई क्रोमोसोम है ओदे वर्गा कोई क्रोमोसोम नहीं हैगा। फीमेल कोल तो फिर दो एक्स होंदे ने, वो दोनों सेम सेम ने। मेल दे कोल जिहड़ा वाई क्रोमोसोम है ते जिहड़ा एक्स क्रोमोसोम है उन्हां दा कोई होमोलोगस क्रोमोसोम ही नहीं हैगा, दोनों डिफरेंट ने। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज हैमीजाइगस क्योंकि मेल दे वाई दे उपर एक टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर प्रेजेंट है जिदे करके मेल मेल्स होंदे ने। दैट इज दैट कंडीशन जो एको ही क्रोमोसोम उस करैक्टर नू रीप्रजेंट कर रहा है, एको ही उहदा एलील उस करैक्टर नू रीप्रजेंट कर रहा है, तो सच इज कॉल्ड एज द हैमीजाइगस कंडीशन कि एको क्रोमोसोम प्रेजेंट है उहदा होमोलोग या उहदा हेटरोलोग प्रेजेंट ही नहीं हैगा, दैट इज कॉल्ड एज द हैमीजाइगस कंडीशन। हाफ वाली कंडीशन है जिहड़ी वह प्रेजेंट होना। क्लियर है, हुण जिहड़ा हेटरोजाइगस है ना इहनू आपां हाईब्रिड कंडीशन भी कह दिंदे आ। हाईब्रिड क्यों? एक डिफरेंट है दूसरा डिफरेंट है, एक टी कैपिटल है दूसरा टी स्मॉल है, तो वह हेटरोजाइगस कंडीशन है। होमो मतलब दोनों टी सेम है, होमोजाइगस कंडीशन है। तो होमो वाले नू आपां कंपेयर किहदे नाल कर सकते हैं? प्योर लाइन दे नाल। हेटरोजाइगस नू कंपेयर कर सकते हैं हाईब्रिड, तो आपां किते किते आपां नू प्योर लाइन मिलिया भी लिखिया होया भी आ सकता है प्योर लाइन, एंड किते किते आपां नू हाईब्रिड लिखिया होया भी आ सकता है। तो ये चीज़ याद रखनी है बेटे, होमोजाइगस हेटरोजाइगस एंड हैमीजाइगस। क्लियर, तो हुण अपने कोल बच्चे नैक्सट जिहड़ी डेफिनेशन है वह अपने कोल आ जाती है, फिर ग्रुप है फिर पेयर है, फीनोटाइप एंड जीनोटाइप। देखो जिहड़े मैं बार बार टी टी कह रही हाँ, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, ये मेरी बॉडी के अंदर है। मैनू तो पता, जे मैं बायो दी स्टूडेंट ना होवां, तुसी बायो दे स्टूडेंट ना हो तो किसी नू की पता कि कित्थे टी प्रेजेंट है, की टी है, वट इज़ दैट? ठीक है, तो जो अपनी बॉडी जे मैं एक लेमैन बंदे नू कहां या किसी नू भी कहां, साइंटिस्ट नू भी कहां, है ना, साइंटिस्ट बिना क्रोमोसोम दसे तो नहीं कहता ना कि एक नंबर क्रोमोसोम के उपर कैपिटल टी प्रेजेंट है दूसरी क्रोमोसोम के उपर स्मॉल टी वाला जीन प्रेजेंट, एवें तो नहीं होंगे ना। जो दिखिया जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है आपू देख के कहने कि यह टॉल है या यह डॉर्फ है, किसी का भी एक्सटर्नल या मोरफोलॉजिकल फीचर उन्होंने कहेंदे बच्चे फीनोटाइप। पर जो साइंस जो बायोलॉजी डील करती है बायो जीनोटाइप नाल भी डील करती है कि यदि बॉडी दे अंदर जीन्स किवें दे होंगे। ठीक है, कोई डिजीज स्टडी करना है तो वो केड़े जीन्स नू अफेक्ट कर रहे हैं, जीनोटाइप दैट इज़ द स्टडी ऑफ द जीन द टाइप ऑफ द प्रेजेंस, केड़ी तरह के एलील्स ओदी बॉडी दे अंदर प्रेजेंट ने, सच इज कॉल्ड एज द जीनोटाइप। जीनोटाइप दिखता नहीं हैगा, फीनोटाइप आप देख के भी
दस दिने कि फीनोटाइप है जेड़ा वह किवें दा है। क्लियर है बेटे? तो अपने कोल की आ गया जीनोटाइप का मतलब है जो जीन्स का कॉम्पलीमेंट और जनैटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसी की भी बॉडी के अंदर उन्होंने आप जीनोटाइप कहने। द जनैटिक कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीन्स इन द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर जो जीन्स का मेकअप है उन्होंने आप कहने जीनोटाइप। बट जो द एक्सटर्नल फीचर्स ने उन्होंने आप कहने फीनोटाइप। द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन इंडिविजुअल आर कॉल्ड एज द फीनोटाइप। ठीक है, जो दिखता है वो की है वो फीनोटाइप है, जो जीन्स का मेकअप है वो की है वो जीनोटाइप है। क्लियर है बेटे? ये भी दोनों पेयर के अंदर आ गए जीनोटाइप एंड फीनोटाइप। क्लियर? हुन दो टर्म्स ने एफ वन जनरेशन एंड एफ टू जनरेशन। ठीक है, जिस भी जनरेशन नू तुसी स्टडी कर रहे हो, जे मान लो सपोज मेरे को कोई सैंपल है, ठीक है, मैं उदा कुछ स्टडी करना चाहनी हाँ, मेरे को कोई भी सैंपल है, ला लो अगर आप पी ले लें, क्योंकि ज़्यादातर आप पी ते ही एक्सपैरिमेंट्स टेंथ च भी पढ़े, हूँ भी पी ते ही पढ़ांगे क्योंकि मेंडल ने पी ते काम किया सी। मैं जो भी पी प्लांट चूज किते हैं ना वो मेरे पेरेंट्स होंगे, जिथों की मैं चक्या, जिमें एक लाइन एक डायलॉग भी होंगे ना अमिताभ बच्चन का कि जिथों की मैं जिथे भी मैं खड़ा लाइन उतों ही शुरू हो जाती है, समथिंग 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 लाइक दैट। तो जिहड़ी जनरेशन आप यूज कर रहे हैं दैट वुड बी पेरेंटल जनरेशन। क्लियर? उन्होंने जो बच्चे आएंगे दैट वुड बी द एफ वन जनरेशन। अपनी स्टडी जी आप करनी है जिस जनरेशन से जितों अपने यूज किया, जितों अपने शुरू किया, वो मेरी पेरेंटल जनरेशन है। उन्होंने जो भी फर्स्ट बेबीज आएंगे, सीड्स आएंगे, अगर वो प्लांट है, अगर वो ह्यूमन है तो बेबीज आएंगे, व्हाटसोएवर, तो जिहड़ी फर्स्ट जनरेशन आई वो है फर्स्ट फिलियल जनरेशन और एफ वन जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। ठीक, एफ टू। हुन इन्हां दे मैं फर्दर जनरेशन देखा, नेक्स्ट जनरेशन, इन्हां सीड्स नूं मैं आपस च क्रॉस किया, अगर वो सीड्स ने एफ वन वाले सारे सीड्स नूं मैं आपस च क्रॉस करता, उन्होंने एज अ पेरेंट्स यूज कर लिया, हूँ तो उन्होंने तो जेडे नैक्सट बच्चे आएंगे दैट वुड बी माई सैकेंड फिलियल जनरेशन। अगर मैं सैकेंड वाले बच्चों आपस च क्रॉस करके थर्ड जनरेशन प्रोड्यूस कर दा तो दैट वुड बी माई थर्ड फिलियल जनरेशन। बट आप प्लस वन प्लस टू या इन सम हायर ऑर्डर भी सिर्फ एफ टू जनरेशन तक ही स्टडी करते हैं। पेरेंटल जनरेशन वन जनरेशन, सैकेंड एफ वन जनरेशन, थर्ड एफ टू जनरेशन। ठीक है, थर्ड फिलियल तक आप नहीं लेंदे क्योंकि वो डाटा बहुत ही ट्रबलसम हो जाता है, अपने सिलेबस च ही नहीं होंदा, तो आप एफ टू तक ही स्टडी करते हैं। अगर डेफिनेशन लिखनी है वट इज़ थर्ड फिलियल जनरेशन, तो वी कैन राइट इट एज द डेफिनेशन दैट इज़ द थर्ड फिलियल जनरेशन। ठीक है बेटा जी, हूँ अपने को कुछ सिंपल जी एक डेफिनेशन है, पुनिट स्क्वायर की होंगे। जदों भी आप मेंडल ने किसी डाटा नू रीप्रजेंट किया सीगा ना, तुम्हें याद होगा तुसी दसवीं क्लास एक डब्बा बनाते सीगे, टेंथ क्लास के अंदर आप एक चैकर बोर्ड बनाते सीगे, तो दैट इज़ पुनिट स्क्वायर। एक चैकर बोर्ड बना के वो अंदर किसी फीचर नू रीप्रजेंट करना दैट मीनस द पुनिट स्क्वायर, तो वह पुनिट स्क्वायर होंगे बेटे। ठीक है जी, हूँ कुछ टर्म्स ने टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस, वो टर्म्स ने जड़िया वो आप जिमें जिमें यूज करा बेटे वो आप लेटर ऑन डिस्कस करा, हमने वो समझ ही नहीं आनियाँ क्योंकि वो उदों ही समझ आनगियाँ जदों आप इन्हां टर्म्स नू यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये अपनी जनैटिक टर्मिनोलॉजी है बेटे। हुण तुहानू क्लीयर हो गया उन्हें करैक्टर ट्रेट जीन एलील फीनोटाइप जीनोटाइप होमोजाइगस हैट्रोजाइगस। ठीक है जी, तो ये अगर टर्म्स पता ने
फिर आप मेंडल की स्टडी कर सकते हैं, फिर आप मेंडल वाल चलेंगे तो मेंडल ने की दिता सी, क्योंकि उत्थे मैं सीधा टर्म यूज करूँगी कि एफ वन जनरेशन आ गई, पर हूँ तो उत्थे पता होना चाहिए कि वट इज़ एफ वन जनरेशन। एक अद्धी क्लास मैं रिपीट भी कर दूंगी कि एफ वन जनरेशन ए सी, ठीक है, आप यूज करेंगे तो थोड़ा होर क्लीयर हो जाएगी कि वट इज़ जीनोटाइप वट इज़ फीनोटाइप, बट प्रायर टू दैट थोड़ा क्लीयर होना चाहिए कि ये डेफिनेशन वट डज दे से टू अस, एवं तो समझ ही नहीं आना बेटे, क्लीयर है बेटे। तो इस तो नैक्सट क्लास के अंदर आप सिर्फ मेंडल की हिस्टरी, मेंडल कौन सी, उन्हें किमें काम किया, उन्हें की काम किया, तो आप चीज़ा डिस्कस करांगे बेटे, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट द मेंडेलियन आइडियाज एंड सम ऑफ द प्री मेंडेलियन आइडियाज कि मेंडल तो पहला जेनेटिक्स का की सिनैरियो सीगा उस सदी के अंदर, या क्योंकि देखो किन्ने सालों तो एग्रीकल्चर चलता आ रहा है, तो उस तो पहला भी की किसी नू जेनेटिक्स बारे कोई कुछ आइडिया सी या किसी साइंटिस्ट ने अपना कोई व्यू दिता सीगा, दैट वी विल स्टडी इन आर नैक्सट क्लासेस, ठीक है। अगर ये टर्म्स क्लीयर हो गया तो यह समझ लो भी थोनू सारा चैप्टर समझ आ गया, फिर तुसी किते भी रुकोगे नहीं, एटलीस्ट मेंडल दे लॉस्ट तो थोनू किते भी मार नहीं पाऊगी, ठीक है बेटा जी। तो ये टर्म्स नू इन्नी चंगी तरह अपने दिमाग च बिठा लो कि चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आए वी विल सॉल्व दैट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है जिहड़ा मेंडेलियन जेनेटिक्स, ओदे नाल तां इहदा बहुत ही गहरा रिश्ता है, ईवन पूरी जेनेटिक्स दे नाल ही इहदा बहुत ही गहरा रिश्ता है, ठीक है। तो इन्हां टर्म्स नूं अपने जहन च ही बसा लो पूरी तरह, क्योंकि नीट दे अंदर भी इहदे क्वेश्चंस पूछे जाते, 4 to 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर इस पूरे जेनेटिक्स चो पूछते हैं, फर्स्ट चैप्टर एंड सैकेंड चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स चो। थोड़ा जिहड़ा सबजैक्टिव वाला पेपर होंगे, चलो जिहड़े बच्चों ने नीट नहीं देना आप उन्हां दी गल करिए, तो जिहड़ा थोड़ा सबजैक्टिव का पेपर होंगे उहदे अंदर बेटे 17 मार्क्स की जेनेटिक्स पूछी जाती है, तो 3-3 मार्क वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 5 मार्क वाला क्वेश्चन है जिहड़ा वह भी इतों की पूछा जाता है, तो प्लीज़ डू अकॉर्डिंगली, ठीक है। बाकी तुहानू पता ही है, तुसी सब सियाने हो कि हाउ टू डू एंड हाउ टू लर्न, ठीक है। तो इनू चंगी तरह करना है बेटे, मैं थोड़ियां जिहियां डेफिनेशनस कराइया ने, बाकी जिवें जिवें आप यूज़ करांगे आप उवें उवें करांगे, बट ये टर्म्स आपां प्रायरली पता होनिया चाहीदियां ने जेनेटिक्स शुरू करन तो पहले, ठीक है। Thank you.